सरकार मार्च से खरीफ सीजन की खेती के लिए फसल ऋण आवंटित कर रही है। पुराने फसल ऋण को ब्याज सहित चुकाकर नए ऋण दिए जाते हैं। हालांकि किसानों द्वारा ऋण राशि दिए जाने के बाद भी किसान बैंक ऑफ महाराष्ट्र नांद शाखा के चन्नी दिखाई दे रहे हैं। विवरण के अनुसार मार्च से अब तक 396 किसानों ने कर्जा लिया है। वे बैंक के 7 नियमों के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि पिछले 8 दिनों से फसल ऋण के लिए किसानों के नए आवेदन और नवीनीकरण खाते बंद होने के कारण किसानों के फसल ऋण के लिए बैंक की पैठ खत्म हो गई है। इसी के मद्देनजर पूर्व विधायक सुधीर पारे के समर्थन में रवि अम्बुलकर, दिमेश तिनमांडे, भास्कर इनगले, रितेश जायसवाल, प्रदीप ताजने, दीपक वंधाई, दयाराम फरकड़े, भास्कर देवकी, मंगेश ताजनी, मोरेश्वर चूटे ने सहयोग किया। दो दिन में इस बैंक में शाखा प्रबंधन उपलब्ध नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। आज अपन बैंक ऑफ महाराष्ट्र नांद शाखा इथे आदरणीय अपने माजी आमदार पारवे साहेब, सुधीर भाऊ पारवे साहेब यांच्या माहितीनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र नांद शाखेत खूप सारे पीक कर्ज फार मागील 1.5-2 महिन्यापासून पेंडिंग आहे आणि क्रॉप लोन डिस्बर्समेंट होत नाही आहे, त्या हिशोबाच्या तक्रारी आम्हाला प्राप्त झाल्या होत्या। त्या अनुषंगाने 2-3 आम्ही बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली होती। पारवे साहेबांनी स्वतः त्यांच्याशी फोन करून सुद्धा चर्चा केली होती। आम्हाला अपेक्षा होती की लवकरात लवकर या सगळ्या प्रकरण निपटारा होऊन प्रत्येक शेतकऱ्याला आपण पीक कर्ज लवकरात लवकर द्यावं, पण काही कारणास्तव ते अजून होऊ शकलं नाही अशी परत आज तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर मी असं ठरवलं की आपल्या नांद शाखेला बँक ऑफ महाराष्ट्राला भेट देऊन नक्की काय परिस्थिती आहे ते जाणून घेऊ। आज इथे जाणून घेतलं असता असं निदर्शनास आलं की 1-1.5 महिन्यापासून रेग्युलर इथे बँक मॅनेजर नाहीत किंवा ते व्हिजिट करत नाही किंवा डेप्युटेशनवर कोणीतरी येतं, त्या हिशोबाने नवीन जे काही जुने प्रकरण आहे हे त्यांनी जवळपास सगळे संपवले, त्यात काही पेंडन्सी नाही, पण नवीन प्रकरण अजूनही 1-2 महिन्यापासून पेंडिंग आहे। त्या संदर्भात इथे भेट देऊन यांचे जे वरिष्ठ अधिकारी आहे काळे साहेब यांना आम्ही बीसीएन न्यूज के लिए नांसी राम वाघमारे की रिपोर्ट।